श्री सुखदेव जी महाराज इस परीक्षित को समझाते हैं, कहते हैं राजन परीक्षित, श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवस व्यतीत होने जा रहा है और परीक्षित को जो श्राप लगा है उसका पांचवा दिवस जब नजदीक आया है, सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित हरिश्चंद्र नाम के जो राजा हुए ये बड़े दानी राजा थे। दरवाजे पर जो कोई आ जाता था, जो मांगता था वही देते थे और धीरे धीरे जब ये इंद्र के यहाँ बहस पे बहस चल गई तो विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा कि हम आपके शिष्य की परीक्षा लेंगे। परीक्षा लेने के लिए सूकर का रूप धारण करके बाघ को तहस नहस करने लगे। माली ने जाकर हरिश्चंद्र से कहा, महाराज किसी सूकर ने आकर बगिया को उजाड़ दिया। तो हरिश्चंद्र ने फौजों को साथ लिया, बोले देखता है कौन सा ऐसा बलशाली सूकर है जिसने हमारा बाग उजाड़ दिया। बाग को जब चारों ओर से घेर लिया, विश्वामित्र सूकर के रूप में सोचने लगे, हमें हरिश्चंद्र की परीक्षा लेनी है। हरिश्चंद्र ने कहा सिपाहियों से, अगर सूकर किसी के पास से होकर जिंदा निकल गया तो समझो उसकी खैर नहीं है, जो भी पहरेदारी पे खड़े हो बिल्कुल सावधान रहना, सूकर किसी के पास से होकर जिंदा नहीं जाना चाहिए। विश्वामित्र सूकर के भेष में हरिश्चंद्र के पास से होकर के जब निकले आगे, महात्मा का भेष बनाकर बैठ गए। हरिश्चंद्र ने जाकर प्रणाम किया और कहा, महाराज आपने इधर सूकर जाता हुआ देखा हो तो बताओ। पूछा तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? तो हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज सेवक को हरिश्चंद्र के नाम से जानते हैं। विश्वामित्र कहने लगे, वही हरिश्चंद्र जिन्हें दानवीर राजाओं की गिनती में गिना जाता है? बोले हाँ। तो फिर एक बात बताओ, तुम एक जानवर का पीछा करते क्यों घूम रहे हो? बोले महाराज उसने मेरी बगिया उजाड़ दी है, इसलिए हम उसे छोड़ेंगे नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से कि उस समय महात्मा के भेष में विश्वामित्र कहने लगे, तुम एक जानवर का पीछा करते हो, भला किसी की इच्छा को क्या पूरा कर सकते हो? अरे हम तो बड़ी आशा लेकर तुम्हारे दरबार की ओर आ रहे थे,